नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ उपासना सिंह। तो चलिए देखते हैं आज की 10 बड़ी खबरें जो रही सुर्खियों में। रामलला के दर्शन का समय एक बार फिर बदला गया। अब राम मंदिर में भक्त सुबह 7 बजे से लेकर रात 11 बजे तक कर सकेंगे दर्शन। पीएम मोदी ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के बेटे को फोन किया, पिता को भारत रत्न दिए जाने की दी बधाई। पश्चिम बंगाल के बाद अब पंजाब में भी लगा कांग्रेस को बड़ा झटका। भगवंत मान बोले, आम आदमी पार्टी अकेले लड़ेगी चुनाव, सभी 13 सीटों पर जीत करेगी हासिल। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी टीएमसी, ममता बनर्जी ने कहा, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के साथ कोई समझौता नहीं। पश्चिम बंगाल में फिर एक्शन में आई ईडी, सीआरपीएफ की 24 गाड़ियों के साथ टीएमसी नेता शेख शाहजहां के घर पहुंची टीम, टीएमसी नेता फरार। एआईयूडीएफ चीफ बदरउद्दीन अजमल ने मुस्लिम महिलाओं को लेकर दिया बड़ा बयान। ज्ञानवापी में वजू खाने के सर्वे पर अब दूसरे बेंच में होगी सुनवाई, एएसआई रिपोर्ट को लेकर आ सकता है बड़ा फैसला। डीजीसीए ने एयर इंडिया पर लगाया 1.10 करोड़ रुपए का जुर्माना, सुरक्षा मानकों के उल्लंघन करने का आरोप। रूस ने फिर बनाया यूक्रेन को निशाना, कीव समेत कई क्षेत्रों में दागी मिसाइलें, हमलों में यूक्रेन के 18 लोगों की हुई मौत, 130 से अधिक घायल। बाजार बंद होने के बाद आया पीएसयू बैंक का दमदार रिजल्ट, प्रॉफिट में 23% उछाल, 6 महीनों में दिया गया 50% रिटर्न। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों और लाइव अपडेट्स के लिए बने रहिए टीएनपी न्यूज़ पर।